संत महंतों की तपोभूमि रहे मां नर्मदा के उत्तर तट स्थित सुंदर धाम आश्रम में पिछले वर्ष की तरह इस बार भी 10 से 16 जून तक सुंदर धाम आश्रम में 76वां विष्णु महायज्ञ का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के संत महंत पहुंचेंगे। क्षेत्र में हो रहे इस ऐतिहासिक धार्मिक अनुष्ठान को लेकर भव्य स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, जिनके दर्शन का पुण्य लाभ निमाण क्षेत्र के सभी भक्तों को देखने को मिलेगा। आश्रम से जुड़े भक्तों ने इस बृहद आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भक्तों की माने तो पिछले वर्ष की तरह ही भव्य 7 दिवसीय आयोजन होगा, जिसमें कार्यक्रम के साथ सुबह शाम विशाल भंडारा भी चलेगा। प्रतिदिन पहुंचे संत महंतों का स्वागत किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों संत महंत इस आयोजन के साक्षी बनेंगे। इस नावघाट खेड़ी क्षेत्र को अपनी तपो स्थली भी बनाएंगे। मां नर्मदा के तट पर स्थित सुंदर धाम आश्रम में विश्व कल्याण के लिए पिछले 75 वर्ष से श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। 7 दिवसीय महायज्ञ का समापन गंगा दशमी पर होता है। इस आयोजन का 76वां वर्ष है, इसलिए इस बार भी श्री विष्णु महायज्ञ संत महंतों के आशीर्वाद स्वरूप धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजनों का संपन्न होगा। इस संबंध में सुंदर धाम आश्रम में एक बैठक भी संपन्न हुई। तन मन धन से सभी लोगों ने तो आज भी भगत लोग याद कर रहे हैं। अभी मैं बीच में गया था, यहाँ मास्टर होकर आए हूँ। कल परसों यज्ञ में गए थे, वहाँ भी सारे संत महात्मा आपके यहाँ की जो है बहुत आने वो कर रहे थे कि आपके यहाँ जैसा यज्ञ हुआ वैसा हमने कभी यज्ञ हुआ ना किए थे। तो ये सारी प्रशंसा आप लोगों की बढ़वा और सुंदर धाम गुरु महाराज की जो अपनी लीला है ये चारों तरफ फैल रही है। गुरुदेव भगवान श्री सुंदरदास जी महाराज की सत प्रेरणा से यहाँ पर विगत 76वां विष्णु महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। हमारे गुरुदेव भगवान की तपस्या के पर्यंत ही यहाँ धूनि विसर्जन का शुभ कार्य किया जाता था, उसी के उपरांत ही संत समाज को ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ आह्वान किया जाता था और मां नर्मदा के तट पर पवित्र पावन तट पर यहाँ पर ये आयोजन किया गया है।